सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, बहुत सिंपल सा सादा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स में भी सिर्फ स्पेक्ट्रम पूछते हैं और कुछ नहीं, लेकिन पढ़ना तो पूरा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, वो सुना होगा, एक्सरे, रेडियो वेव्स, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा, इन्हीं रेज की प्रॉपर्टी और इन्हीं रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये 3 चीजों पढ़नी है, इन्हीं 3 से क्वेश्चन आता है। लेकिन इनको पढ़ने के पहले पहले पता करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली, राइट। किसी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, कहां से आई, क्या है, कुछ थोड़ा बहुत कभी सुना हो ये वर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल अबाउट, किसी ने भी नहीं सुना? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में था तो क्या था उसमें? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेट अस स्टडी अबाउट पुराने चैप्टर से कनेक्ट कर। अभी हमने देखा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कर रहे थे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा था वैसा मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर रहा था मतलब कि करंट जनरेट कर रहा था मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, सीधी सीधी सी बात। सो व्हाट वी कैन से कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन बता गए हमें? फैराडे, ये हमें ये चीज बता गए, ठीक। इसके बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट आते हैं फिजिक्स के फील्ड में, जॉर्ज मैक्सवेल। मैक्सवेल इज ऑफ द व्यू पॉइंट दैट एज दैट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सवेल कहते हैं और वो इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, आप नॉर्मल मैग्नेटिक और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। देखो, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से, एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू जीरो आई, ठीक, एम्पियर सर्किट लॉ। हमने क्या देखा था, एक वायर में से अगर करंट पास करोगे आई तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये बी डॉट डी एल इक्वल टू होगा जीरो। तो ये हमने नॉर्मल केस में देखा था, बट मैक्सवेल इज टॉपिंग टॉकिंग अबाउट टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग इज एसी अल्टरनेटिंग करेंगे, राइट। तो फैराडे ये तो बता गए कि जब आप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे उसके कारण टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दैट इज एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, बोथ आर टाइम वेरिंग। This word is of particular importance in this chapter. So time varying magnetic field को time varying electric field generate कर रही है। Maxwell कहते हैं कि time varying electric field क्या generate करेगी? Time varying magnetic field. We will show how, not we, Maxwell will show how. और इन्हीं दोनों के generation से क्या generate होते हैं? किसी भी circuit में disturbances generate होते हैं। And you can call that disturbances as electromagnetic. When the time-varying electric field will generate the time-varying magnetic field, and the time-varying magnetic field will generate the time-varying electric field, in dono phenomenon ke karan, there will be a disturbances in any circuit. And that disturbances or waves are called electromagnetic waves. Are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से जनरेट हुई? अभी अपन देखेंगे इसको बहुत डीप में, प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे जनरेट हुई। हर्ट्ज एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस तुम लोग इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, तुम लोग साथ में याद करो और हॉल कवर कर लो, इस पे बैठ लो। थैंक यू।
वो टाइम वेरिंग बता दीजिए, टाइम वेरिंग ये होता है, दिस इज टाइम वेरिंग. टाइम वेरिंग मींस चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हर एक मोमेंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम वेरिंग. फिर से समझते हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया था पिछले चैप्टर में, ठीक है. कैसे? थीटा को चेंज करके. तो थीटा को चेंज करके जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया था तो ऐसा कुछ करके E0 साइन ओमेगा टी जनरेट हुआ था. दिस इज इंड्यूस डीएमएफ. और अगर इंड्यूस डीएमएफ है मतलब इंड्यूस करंट होगा, और इंड्यूस करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ. यस सर. नो. हाँ भैया. हाँ भैया. सिमिलरली टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक. ये किसने कहा? मैक्सवेल. मैक्सवेल ने कैसे किया, क्या किया, हम आगे देखेंगे. फिलहाल के लिए मैक्सवेल ने कह दिया. और जहां पे भी ये दोनों फिनोमिना एक साथ होंगे वहां पे क्या जनरेट होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट, ठीक है ना. द डिस्टर्बेंसेस जनरेटेड ड्यू टू बोथ दीज फिनोमिना आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक. अब मैक्सवेल ने इस चीज को प्रूव करने के लिए कौन सी वाली चीज को? दूसरी वाली लाइन कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गई. टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने किया कि ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. इसको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा. उन्होंने क्या किया? देखो अब इस एक्सपेरिमेंट को देखो. सो इट विल बी क्लियर कि कैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया. देखो मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया तो क्लियर है, क्लियर है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेगी वो देखो. उसने लिए तो कैपेसिटर, करंट पास किया आई. अगर आई करंट पास करेगा, कैपेसिटर्स के बीच में कोई करंट पास होगा? अगर नॉर्मल करंट पास कर रहा है दैट इज द कंडक्शन करंट. आई इज द कंडक्शन करंट. इज देयर एनी करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर? देयर विल बी नो करंट. अगर अब इसमें आप क्या लगाओ? एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओ. मान लो इसको एक सरफेस बना दो. तो यहां अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओगे तो बी डॉट डी एल हो जाएगा म्यू जीरो आई. लेकिन अगर इस वाले एरिया में लगाओगे तो बी डॉट डी एल हो जाएगा सो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द एम्पियर सर्कुलर लॉ. आप देख पा रहे हो कि एम्पियर सर्कुलर लॉ कॉन्टिन्यू नहीं है यहां पे. मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो जब तक फराडे काम कर रहे थे उनको नहीं पता था एएमडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट. मैक्सवेल आके यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट ये कहां से आया? देखो अगर यहां पे डिसकंटिन्यूटी है मतलब हमको कंडक्शन करंट पास नहीं करना, हमको कंडक्शन करंट पास नहीं करना. अब हम कौन सा करंट पास करेंगे? चेंजिंग करंट, एसी पास कर. देखो हम वही पहुंच रहे हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. एसी आ गया मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. आगे कि नहीं आगे. सो अगर हमने इसमें से एसी पास किया तो अब क्या होगा? करंट बार बार चेंज हो रहा है मतलब चार्जेस बार बार क्या होंगे इस प्लेस पे? चेंज. और इन चार्जेस के बार बार चेंज होने के कारण यहां पे भी अब क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिक. जैसे ही करंट आप एसी पास करोगे चेंजिंग करंट, तो इस चेंजिंग करंट के कारण क्या होगा कि इन कैपेसिटर्स की प्लेस पे बार बार चार्जेस क्या होंगे? चेंज होते रहे. और इन चार्जेस के चेंज होने के कारण इसके बीच में क्या जनरेट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू
डिस्प्लेसमेंट करेक्ट। तो अब तुम्हारा एमटीएस सर्कुलर लॉ क्या हो जाएगा, बी डॉट टी एल स्क्वायर टू म्यू जीरो आई और बी डॉट टी एल स्क्वायर टू म्यू जीरो आई टी कंटिन्यू हो गया। तो एमटीएस सर्कुलर लॉ मॉडिफाई हो गया भाई। वेयर आई डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करेंट इज द करेंट between the plates of the capacitor when changing current passes through the capacitor. Displacement kya hai? Displacement current kya hai? Changing current. Or you can say equivalent to the electric field between the plates of the capacitor. So displacement current ki definition hai. So displacement current is the current which is equivalent to the electric field generated between the plates of the capacitor due to change in current passes through the capacitor. Cut off. थोड़ा बहुत सेवन में आया, थोड़ा बहुत आ गया भैया। हाँ भैया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहां से कॉन्सेप्ट आता है आपका किस चीज का, दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो जनरेट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द चेंजिंग करंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आप अपना कोर्स उठा के देखना, उसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली क्वालिटेटिव आइडिया। तो हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। जितने भी कॉन्सेप्ट है एएमडब्ल्यू में उन सबका आपको क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ना है, आइदर इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट और इट इज नेचर ऑफ वेव्स और व्हाटएवर, सब टॉपिक्स का क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली पढ़ने। आप चेक कर लो, आइदर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएमडब्ल्यू, सबका क्या पढ़ना है क्वालिटेटिव आइडिया, क्वांटिटेटिव कुछ नहीं है। इसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं है, डेरिवेशंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या कहा कि जहां पे भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करे और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करे, वहां पे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होगी, ठीक। अब देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, हम पढ़ चुके जब हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास किया तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ और वो कैसा था, एसी था, तो टाइम वेरिंग था। हमने क्या पढ़ा, मैक्सवेल ने हमको क्या बताया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करती है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट पास किया या चेंजिंग करंट पास किया कैपेसिटर में। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इसकी प्लेट्स के बीच और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके इक्विवेलेंट बोला उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो हियर ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इतना समझ में आया, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हेडिंग डालो, नहीं डिस्प्लेसमेंट करंट बात पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो वरना ये सब भूल जाओगे। अकॉर्डिंग टू फराडे भैया हेडिंग क्या डालनी है, इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू फराडे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड acts as a source of time varying electric field full stop para change George Maxwell या Maxwell James Clerk Maxwell of Scotland, उनका नाम था, शॉर्ट नेम था जॉर्ज मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट जनरेट
must generate time varying magnetic field. Of course, time varying electric field must generate time varying magnetic field. Full stop. Parachange. When either of the electric field or magnetic field, when either either of the electric field or magnetic field changes with time, comma, the other field is produced. This leads to the production of electromagnetic disturbances. Electromagnetic disturbances consisting of time varying electric and magnetic fields. Full stop. These are called. पता है क्या? Electromagnetic. Displacement करें. Next heading. सर ये वाला फिगर. Displacement करें सर बेटा. फिगर को क्या हो गया? ये तो प्लेट्स बस बनाओ. आई करंट पास करो. कंसीडर consider a capacitor consisting two parallel circular plates. Full stop. When steady current को underline करना. When steady current I flows, comma, there is no such current. When steady current I flows, comma, there is no such current. Between the plates of the capacitor.
there is no such current between the plates of the capacitor. Full stop. आप एक काम करो, इसी में, इसी डायग्राम में नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना के ऐसे सरफेस बना, है ना, इसको आगे जाके ऐसा ऐसा सा एक सरफेस, क्या हो गया मतलब ये सर्कल इसके अंदर लग रहा है ना, बना बताओ बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर, हाँ बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, इसको दे देना एस वन, इसको दे देना एस टू, by using Ampere's circuital law for S1 surface, for S1 surface, B dot dl is equal to mu 0 I. B dot dl is equal to mu 0 I. For S2, B dot dl is equal to S2 सरफेस के लिए B dot dl कितना होगा, जीरो होगा, स्टेडी करंट पास कर रहे हो, ठीक है, लाइन चेंज, बट व्हेन चेंजिंग करंट, अब चेंजिंग करंट पास कर, बट व्हेन चेंजिंग करंट पासेस कॉमा इट लीड्स टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट लीड्स टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड inside the capacitor, inside the capacitor, full stop. देखो द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये लिखाना जरूरी है थोड़ा सा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर समझोगे नहीं, द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्विवेलेंट टू द करंट, करंट बिटवीन द प्लेट्स विच इज नोन एज क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ब्रैकेट में लिखना आई डी, आई और स्मॉल इक्विवेलेंट टू द करंट की बात, क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट करंट टू द करंट बिटवीन द प्लेट्स व्हिच इज नोन एज बिटवीन द प्लेट्स,
इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यार मैं कुछ भूल गया, क्या बोला था, लिख लेना बाद में यार, ऐसे कुछ बोला था। इक्विवेलेंट टू द करंट बिटवीन द प्लेट, इक्विवेलेंट टू द करंट बिटवीन द प्लेट व्हिच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सुन लिया? नाउ नाउ फॉर एस वन बी डॉट टी एल इक्वल्स टू फॉर एस वन, फिर से एम्पियर लॉ चेंज हो गया ना, तो बी डॉट टी एल म्यू जीरो आई हो गया, और फॉर एस टू बी डॉट डी एल कितना हो गया, म्यू जीरो आई टी हो गया। तो टोटल हो गया ये, देयरफॉर ये सर आफ्टर फॉर एस वन व्हाट वी हैव टू, आफ्टर फॉर एस वन के लिए ऐसे एस टू लिखना और ये लिख लेना, और फिर लिखना देयरफॉर, ये लिख लेना। हेडिंग डालो बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे ज्यादा बेसिक सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सबसे ज्यादा बेसिक, कोई बताएगा? ये सब कहानी कहां से शुरू हो रही है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? हाँ, डेल्टा, मास निकालो फिर बोलो। एटम से भी बेसिक कुछ है, ये सब कहानी कहां से शुरू हुई है? चार्ज। सो बेसिक सोर्स ऑफ EMW इज ऑल्सो चार्ज, बट ऑसिलेटिंग चार्ज। स्टेडी चार्ज will generate the electric field only, moving charge will generate the electric field and magnetic field only, but not time varying. समझो, अगर चार्ज स्टेडी है तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, हम देख चुके हैं। अगर ये चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन दोनों टाइम वेरिंग थोड़ी होती है। टाइम वेरिंग कब जनरेट करेंगे, जब ये चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इफ दिस चार्ज स्टार्ट ऑसिलेटिंग देन इट विल जनरेट द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन फर्दर विल जनरेट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई तो वो तो फिर से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ही सकती है, एंड द प्रोसेस विल Go on. This is the basic source of electromagnetic waves. फिर से समझते हैं। This charge, if it is steady, अगर रुका हुआ है तो यह क्या generate करेगा, सिर्फ electric field generate करेगा। अगर ये move करना चालू कर दिया तो यहां से तुम लोगों ने भी पढ़ा है कि अगर charge move करना चालू कर देगा तो magnetic field generate होता है, so it will generate the magnetic field, but both are not time varying. टाइम वेरिंग थोड़ी है, ऐसी जनरेट थोड़ी करता, ये तो अपन ने भी पिछले चैप्टर में ही बस पढ़ा ना। तो अगर ये चार्ज ऑसिलेट करने लगे टुवर्ड्स दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, टुवर्ड्स दिस सेंटर एक्स अपॉन इट डिस्प्लेसमेंट, या फिर सीधा कह दो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगे चार्ज, इफ इट इज चार्ज ऑसिलेटिंग तो ये क्या जनरेट करेगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। And we know that time-varying electric field will generate the time-varying magnetic field. और अगर time-varying magnetic field generate हो गई, तो वो time-varying electric field तो generate कर ही सकती। And so the process will further go on. And you will get the disturbances. That is what. तो जो इस charge की frequency होगी oscillation की, वही frequency होगी जो आपकी wave generate होगी। समझो? जो इस चार्ज की, चार्ज ऑसिलेशन कर रहा है, इट मींस इट हैज सम म्यू,
वेवियन ऑसिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इफ द बॉडी इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट हैज सम फ्रीक्वेंसी राइट रिवोल्यूशन पर सेकेंड. तो अगर इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है तो यही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी जो वेव जनरेट हुई है उसकी. समझना इस चीज को, थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं. जो भी इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी होगी जो ये ऑसिलेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो जनरेट होगी. अब समझो इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है, इसलिए तो आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं, एक्सरे गामा रे, उन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्योंकि चार्ज के ऑसिलेशन करने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग. अगर ये चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है या फिर ऑसिलेशन कर रहा है इट विल जनरेट विजिबल रेस. अगर ये चार्ज एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑसिलेशन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या जनरेट करेगा? विजिबल रेस जनरेट करेगा. सिमिलरली अगर ये चार्ज किसी और कंडीशंस में क्या कर रहा है? ऑसिलेशंस कर रहा है. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग होगी. तो वो अलग फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करेगा जिनको आप क्या कहोगे? एक्सरे, या क्या कहोगे? गामा रे, या क्या कहोगे? इंफ्रारेड, या अल्ट्रावायलेट, या एक्सरे, या व्हाटएवर जो 6-7 पढ़नी. तो समझो इस चीज को कि ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई थी हमारी, इस चार्ज. तो ये चार्ज जैसे ही ऑसिलेट करना चालू किया इसके ऑसिलेशंस के कारण जो इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई. ठीक. तो ये चार्ज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगी. इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मिलेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स मिलेंगी. उसको हमने बांट दिया स्पेक्ट्रम को कि मान लो अगर हमें पर्टिकुलर 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज की मिल रही है तो ये कौन सी हो गई? विजिबल हो गई. ठीक है, हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी. बेसिक्स बता रहा हूं कहां से आया, इस चार्ज के ऑसिलेशन से. समझ में आया? हाँ भैया. सबको? हाँ भैया. हाँ भैया. बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एन ऑसिलेटिंग चार्ज. सर हेडिंग फिर से बता दीजिए प्लीज. बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. निशु कैसी हो तुम? सर ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट सर. बस बुके लेके चले. चलो हाँ, बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अ चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली. अ चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली. हार्मोनिकली इज अ सोर्स ऑफ. इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज अ सोर्स ऑफ EMW of same frequency, electromagnetic wave of same frequency. Line change. Oscillating charge. Oscillates with a frequency mu. Oscillates with a frequency mu, comma, it will produce. It will produce EM wave of frequency mu. It will produce EM wave of frequency. Full stop. An electric charge para change karke. An electric charge can oscillate
in different manners with different frequencies. Bahut important line hai. An electric charge can oscillate in different manners with different frequencies, resulting into different frequencies of EMW. Resulting into different frequencies of electromagnetic waves. Example likho. Visible light is produced. Because of oscillations of electrons. Oscillation of electrons bound to the nucleus. Bound to the nucleus in atoms. ठीक है यार न्यूक्लियस. अच्छा सुनो, न्यूक्लियस इन एटम्स. अच्छा सुनो, उसको ध्यान रखना कि why oscillating charge only, why not steady charge, why not moving charge. क्यों steady charge या moving charge क्यों नहीं ले सकते हम? यस से टाइम चेंज नहीं हो रहा और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा. वेरी गुड. इस चीज को लिखवाना मैं भूल गया हूँ, मतलब मैं लिखवाना चाह रहा था बट अब बीच में कैसे लिखवाऊं. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना. अगर भूल जाओगे तो लिखवा दो. नहीं ध्यान रखोगे? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि स्टेडी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और मूविंग चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. तो दोनों में से कोई भी टाइम वेरिंग तो जनरेट कर ही नहीं रहा. And I have told you, this time-varying word has a particular importance in this chapter. Right? That's why oscillating. भैया. Because oscillating charge. लिखवा दीजिए. भैया वीडियो पॉज कीजिए. हाँ भैया. चलो ठीक है. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट सिर्फ देख लो जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्शन होता कैसे. हेडिंग डाल लो, फिगर बना लो, एनसीईआरटी में चेक करना है कि नहीं है. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में देखो. चलो बता तो मैं फिर भी दे रहा हूं, काम में आएगा आपके. कोई पूछेगा कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखे तो कहना हाँ देखें. अब यार 3 दिन तो पढ़ाना है चैप्टर को, तो कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, खाली खत्म हो जाएगा. है? है? देखो ये बना लो, पहले बना लो.
बनाते बनाते सुनते जाओ, थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूँ। हर्ट्ज ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में जनरेट किया, लैब में। He felt the electromagnetic waves in lab. थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया हर्ट्ज। मैक्सवेल हवा में बातें करते थे, प्रूफ कौन करेगा? देखो इतना यार, इतना सलाह सा डायग्राम मैंने एक बार में बना दिया। देखो ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये स्पेयर है जो कि वायर से इसमें जुड़े हुए। ठीक, होता क्या है कि जब टाइम इक्वल्स टू जीरो लेते इनिशियल स्टेज पे, ये कैपेसिटर्स दोनों क्या है, फुली चार्ज। दिस कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज बट द करंट इज जीरो। कैपेसिटर्स चार्ज है बट इनिशियल स्टेज पे करंट क्या रहता है, जीरो रहता है। Now what happened? ये चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होंगे एंड द करंट विल फ्लो, राइट? सो दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, बिकॉज इंडक्टर के पास क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, पढ़ा है ना, हाफ एल आई स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इस सर्किट में होता क्या है कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे ही डिस्चार्ज होना चालू होगा दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, और जैसे ही इसका चार्ज पूरा जीरो हो जाएगा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा करंट, एंड होल इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। नाउ द रिवर्स प्रोसेस विल स्टार्ट, दिस मैग्नेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड नाउ द करंट विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग and the charge on the capacitor will again start increasing. ये process बार बार repeat हो गया। Electric energy magnetic energy में convert, magnetic energy electric energy में convert, charge क्या हो रहा है, oscillator हो रहा है कि नहीं हो रहा, charge बार बार oscillate कर रहा है कि नहीं कर रहा, electric energy से magnetic energy में, magnetic energy से electric energy में, so to and fro motion को क्या कहते हैं, simple harmonic motion, so charge is doing the to and fro motion. Therefore, there is a simple harmonic motion of charge, and this simple harmonic motion of charge will generate the electromagnetic waves between the sphere. कैसे पता पड़ेगा? जैसे ही ये conversion चालू होगा, वैसे ही इन दोनों spheres के बीच में spark होगा। क्या होगा? Spark. और वो sparkle तुम्हें क्या provide करेगा? ये receiver कहलाता है। ये receiver कहलाता है। इस रिसीवर में सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, एंड दिस सिग्नल्स विल गिव यू द मोमेंट दैट विल जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, तो हर्ट्ज को रिसीवर में सिग्नल मिले, दैट सिग्नल्स आर शोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या हुआ, जब टाइम जीरो था तो कैपेसिटर पूरा चार्ज, लेकिन करंट क्या था, now the capacitor will start discharging, there will be a flow of charge from capacitor to inductor, so the charge will flow from capacitor to inductor, whole electrical energy will be converted into the mechanical energy and the current will become maximum. Now again inductor se charge kahan flow hoga, capacitor pe, kyunki inductor is at the higher potential, capacitor now is at the lower potential. तो ये कॉन्टिन्यूस क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैग्नेटिकल एनर्जी में कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन। इट मींस द चार्ज इज ऑसिलेटिंग, एंड इफ द चार्ज इज ऑसिलेटिंग देयर इज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड हाउ यू विल डिटेक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये स्फीयर के बीच में यू विल फाइंड अ स्पार्कल, एंड ड्यू टू दिस स्पार्कल इट विल सेंड द सिग्नल टू दिस, एंड दिस रिसीवर विल जनरेट द सिग्नल, सॉरी will receive the signal and you will find the proper electromagnetic waves in this receiver. So in my, ye Hertz ka experiment tha. I don't think so ki Hertz experiment paper mein puchega. But agar likhna hai to likh lo, ek line mein likh lo, short mein likho. The repetitive conversion of, haan, kuch kuch puch raha tha, Sanskar asking something.
भैया वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगे वो विजिबल होंगे कि नॉन विजिबल? नहीं बेटा विजिबल तो नहीं, दे कैन बी ऑफ एनीथिंग राइट, दे कैन बी विजिबल, दे कैन बी, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी कि किस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर, ठीक है, सो इट डिपेंड्स, इसलिए दिख नहीं रही है वेव, दिख नहीं रही है, हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स में, तो उनके प्रेजेंस को फेल्ट कर रहे हैं, वी आर फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. So the repetitive conversion of electric energy into mechanical, sorry, mechanical concept, magnetic energy and vice versa. Sir, please एक बार repeat कर दीजिए. The repetitive conversion of the repetitive conversion of इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा विल जनरेट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द सर्किट. Line change, the presence can be felt. Between the two spheres. Comma. Between the two spheres, comma, when there is a spark. Line change. The succession of sparks. The succession SUCCESION of sparks sends out a train of such waves. Which are received by the receiver. Full stop. Received by the receiver. देखो जो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट की थी ना वो 6 meter की थी. वेवलेंथ तो देख लेना इतनी वेवलेंथ की जो वेव है वो कौन से स्पेक्ट्रम के अंदर आती है तो वो वाली वेव जनरेट हुई थी 6 meter की है ठीक. तो संस्कार जो पूछ रहा था कि कौन सी वेव जनरेट हुई थी वी विल सी इन द स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के अंदर देखेंगे कि इतनी वेवलेंथ की जो वेव है वो काय के अंदर आती है ठीक है एक्सरे के अंदर आती है विजिबल के अंदर आती है कि काय के अंदर आती किसी को ध्यान है विजिबल के अंदर आती ठीक है पता नहीं हमें खुद नहीं ऐसे तो याद तो करना पड़ेगा लेकिन तुम लोग देखो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स Transverse nature of electromagnetic waves. भैया क्या लिखना अभी तो बोला transverse nature of electromagnetic waves.
कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं, ठीक है? टाइम तो है, लेट्स मेक इट समथिंग इंटरेस्टिंग. सबके पास फोन है ना? आई एम सेंडिंग यू वन लिंक, इस लिंक को ओपन करो. ओपन करो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता लेकिन अब ठीक है. करो कर अपने अपने फोन. जस्ट रीड बोथ द पैरा, एक ट्रांसवर्स वेव का और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का. और वो जो पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है ना उसमें वो देखो. इससे अच्छे कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझा सकता, व्हाट इज ट्रांसवर्स एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल. जस्ट ट्राई टू रीड एंड यू नो सी द फिगर कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है. देखो ये सबको पता है कि एक टू एंड फ्रो अप एंड डाउन जाता है, एक कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जाता है. वो नहीं कह रहा हूं, पार्टिकल देखो उसमें कैसे मूव कर रहा है. ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वो वेव कर रहा होगा, देखो. और लॉन्गिट्यूडनल वेव में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव कर रहा होगा, देखो. हाँ भाई वो पैरेलल. हाँ पैरेलल टू. और पढ़ो जो लिखा है, पढ़ो आराम से, पढ़ो दोनों पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं. अपने अपने तरीके से जैसे जिसको समझ में आए पढ़ो. आया कुछ समझ? आ गया. देख व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, क्यों है? ये तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में क्या कर रही है, ऑसिलेट हो रही है ना, चार्ज ऑसिलेट हो रहा है. मान लो ये जेड, सो नीचे से फिर से बना. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से बना. अब समझ रहे मैं भूल गया था कि इसको बनाते कैसे. अब ध्यान आ गया. सर जो आपने पहले बनाया था वो नहीं बनाना? नहीं ये बना. दिस इज द टाइम वेरिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड। And this is the time varying magnetic field. And these both are perpendicular to each other, right? So direction of wave क्या होगा? अगर ये transverse wave है तो इन दोनों के perpendicular x direction. Right? So in transverse wave, time varying electric field is perpendicular to the time varying magnetic field. And both are perpendicular to the direction of the motion of wave. That's why the nature of this wave is transverse. क्योंकि transverse में particle का जो motion है वो direction के क्या होता है? Perpendicular होता है. इसलिए आपको transverse और longitudinal waves पढ़ाए थे. क्योंकि the motion of the particle is perpendicular to the direction of the wave. Wave का direction अगर x-axis में है, तो देखो ना, जो magnetic field है और जो electric field है, जो generate कर रही है इस wave को, वो इसके perpendicular. That's why electromagnetic wave is a transverse wave. समझ आया? सबको? हाँ भैया. All right. ये figure बनाओ. हेडिंग तो डाल ली है, हेडिंग डाल ली थी ना, फिगर बनाओ, लिखवा कल दूंगा. बना लिया भैया, बना लिया, सबने बना लिया. हाँ भैया.